गारमेंट्स और फैब्रिकेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जैन सिंथेटिक नामक संस्थान झारखंड के थोक एवं खुदरा विक्रेताओं के लिए नए सीजन में त्योहारों के बीच हेवी रेंज ऑफ फैब्रिकेशन कलेक्शन लेकर आया है। इसी को लेकर रांची में एक कार्यक्रम आयोजित हुई जिसमें कई जाने माने फैब्रिकेशन इंडस्ट्री ने अपना प्रोडक्ट प्रस्तुत किया। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से आए इन ब्रांड और कंपनी के विषय में बताते हुए जैन सिंथेटिक के प्रोपराइटर विमल कुमार दसानी ने इसकी विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कोरोना काल के बाद लगन के समय इसे लॉन्च करने और उद्योग जगत में इससे बढ़ावा मिलने की बात कही। हम ये समझ के चल रहे हैं कि पिछले जो 4 साल से कोविड के वजह से लोगों का रांची उतरना रिटेलर्स का कम हो रहा था या जो एक मार्केट इम्पैक्ट हो रही थी, अब चूंकि वो चीज़ें हटी हैं और आगे एक बहुत से अच्छे से अच्छा वेडिंग सीज़न है प्लस फेस्टिवल सीज़न है, ईद भी नज़दीक है अभी से, तो उस हिसाब से रिटेलर्स को यहाँ एक बहुत बड़ी रेंज देखने का मौका मिलेगा। हमने उस नज़रिए से इस फैब्रिक डिस्प्ले शो का ऑर्गेनाइजेशन किया। ये हमने एक फैब्रिक डिस्प्ले किया है कोरोना काल के बाद। ऐसे तो हम लोग बराबर करते आते थे लेकिन कोरोना के बाद पिछले 3 सालों से हमने फैब्रिक डिस्प्ले नहीं किया। इस बार वृहद पैमाने पर हम लोग फैब्रिक डिस्प्ले करने जा रहे हैं। इस फैब्रिक डिस्प्ले में हमने नया ब्रांड एक टू अरहम के नाम से लॉन्च किया है। बाकी हम लोग पहले से भी बड़ी नामी गिरामी कंपनियों का काम कर रहे हैं, अरविंद है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, वैसलिन है, BSL है, और इस बार हम लोगों ने रेडीमेड का भी साथ में काम शुरू किया। पहले रेडीमेड हम लोग नहीं करते थे, इस बार गारमेंट में भी हमने नई में एंट्री मारी है और गारमेंट में भी करीब करीब 10 से 12 कंपनियों का, रूपा का, माइक्रोमैन का, कई कंपनियों का हम लोग इसमें सेगमेंट लेके आए हैं।